तो अभी ना सबसे पहले लिंग्विस्ट देख लेते हैं, लिंग्विस्ट सही है, और लिंग्विस्ट के थ्रू ना फिर बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा तो क्या कहते हैं, अच्छा हमारे पास चाहे एरे हो चाहे लिस्ट हो, सही लिंग्विस्ट हो स्टैक हो क्यू हो, सब में ना यानी कि एक चीज़ कॉमन होती है कि सब यानी ना मल्टीपल वैल्यूज को या मल्टीपल वेरिएबल को ना होल्ड करते हैं। सही, वो एक अलग बात है कि सेम डेटा टाइप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सारी एक अलग चीज़ कहानी है। सही है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन क्या चाहिए, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, एरे, कोई भी चीज़ है, सब ना मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। सही, दूसरी बात ये कि कुछ जगहों पे ना लिंक लिस्ट का अगर गूगल पे कोड देखोगे तो वहाँ पे ना शायद एक ही क्लास मिले। सही, लेकिन सर ने हमें इस तरह कराया कि सब में ना जो वेरिएबल की क्लास है यानी जो ऑब्जेक्ट डेटा को होल्ड करेगा ना, सब ने उसकी क्लास अलग बनाई है, फिर उन सारे वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन किस तरह करना है, एज अ लिस्ट के तौर पे कंबाइन करना है तो उसके लिए एक लिंक्ड लिस्ट की क्लास बना दी, एज अ क्यू के तौर पे कंबाइन करना है उसके लिए क्यू की क्लास बना दी। सही है, स्टैक के तौर पे कंबाइन करना है तो स्टैक की क्लास बना दी। सही, लेकिन जो वैल्यू जो जो ऑब्जेक्ट डेटा होल्ड करेगा वो तो सेम ही रहेगा चाहे हम इनमें से किसी भी चीज़ पे काम करें। सही, तो सब मैंने इस तरह करके शायद दो क्लासें वगैरह दो क्लास के थ्रू करवाया। एक एक क्लास लिंक है, सही है, इसमें उसका एक फंक्शन आ गया डिस्प्ले लिंक है, एक कंस्ट्रक्टर है और बाकी कुछ चीज़ें। सही, अब इस क्लास लिंक को बेहतर है कि नोड समझा जाए। सही है, जैसे यहाँ पे जैसे ये हमारे पास डिफरेंट नोड है। सही है, ये एक पूरा नोड है। सही है, फिर ये हमारे पास एक पूरा नोड है। यार दोबारा बताइयो वहां से क्या होता है लिस्ट ऊपर वाले जो तुमने बताया वो मिस हो गया मेरा। जैसे क्या कहते हैं, चाहे स्टैक हो क्यू हो कोई भी लिस्ट हो, सब में एक बात कॉमन है कि सब कोई डेटा आइटम को होल्ड कर रहे हैं। सही है, यानी सब के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। सही, चाहे किसी भी तरीके की लिस्ट हो, क्यू हो, स्टैक हो, सही, कोई भी। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है, इन सब के ज्वाइनिंग का फर्क होता है। सही, जैसे ये सिंगल लिंक लिस्ट है तो सिंगल कनेक्शन हुआ है, डबल लिंक लिस्ट होती तो पीछे की तरफ भी कनेक्शन होता, स्टैक होता तो एक के ऊपर एक आ रहा, रिवर्स कनेक्शन एक तरह का चले जाते हैं आगे। सही है, जो लास्ट इन होते हैं वो फर्स्ट आउट होते हैं स्टैक में। इस तरह करके असल जो फर्क पड़ जाते हैं इन सब में वो क्या होता है कि डेटा को एक्सेस करने का, वेरिएबल्स को अरेंज करने का, वो फर्क पड़ जाएगा। सही है, वरना स्टैक भी एक तरह की लिस्ट है। सही, अगर कोई लोग लाइन में खड़े हैं, क्यू बनी हुई है तो वो भी एक तरह की लिस्ट होगी, आपके पास बुक रखी हुई स्टैक में वो भी एक तरह की लिस्ट है। सही है, लेकिन फर्क क्या, सही है, तो हम सर ने इस तरह कराया कि सर ने ना वेरिएबल की एक ही क्लास बनवाई है। सही है, यानी जो डेटा को होल्ड करेगी, और फिर तो हम भी यानी इसी तरह करेंगे कि वेरिएबल की यानी एक ही क्लास बनाएंगे। सही है, जो डेटा को होल्ड करेगी, और जब डेटा उसमें होल्ड करवा लेंगे ना फिर डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे, लिंक लिस्ट की एक क्लास बना दी। सही, यानी जो वैल्यू को होल्ड करेगी ना जो क्लास, उसका नाम नोड हो जाएगा। ठीक है, यानी नोड के अंदर क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। फिर उसके बाद ना हम डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे, जैसे लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट की क्लास क्या करेगी, वो नोड्स को ना एज अ लिस्ट के तौर पे ज्वाइन करेगी। फिर हम स्टैक की क्लास बना लेंगे, वो उन नोड्स को क्या करेगी, स्टैक की तरह उनको कंबाइन कर देगी, चेन अप। सही, इसी तरह क्यू की भी हम एक क्लास अलग से बना सकते हैं। सही, ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ना सर ने क्लास लिंक जो है ना सर की, वो बेसिकली क्लास नोड है। सही है सर की, तो इसको भी मैं कॉपी पहले। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि आमतौर पे जब हम किसी वेरिएबल को कॉल करवाते हैं, जैसे ए के हमने ए के अंदर हमने कोई वैल्यू रखी है। सही है, वेरिएबल ए कोई हमारे पास सपोज है, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग रखी हुई है, अब हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। सही है, तो हम जो भी हमारा प्रिंट का फंक्शन है वो लिखते हैं, और फिर पेरेंथीसिस के अंदर वो जो भी वेरिएबल का नाम होता है, जैसे यहाँ पे ए सपोज कर रहा था तो ए को पास कर देंगे पेरेंथीसिस के अंदर, प्रिंट के फंक्शन के अंदर, और वो फिर जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में ये तो नहीं मालूम था ना, यानी डायरेक्टली तो हमें ये नहीं मालूम था कि वो वेरिएबल मेमोरी में एग्जैक्ट इस लोकेशन पर स्टोर हुआ होगा। हम इनडायरेक्टली यानी ये चीज़ चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डिफरेंट फंक्शंस के वो मेमोरी में एग्जैक्ट किस लोकेशन पर स्टोर्ड है, उसका एड्रेस क्या है, लेकिन हम वो चीज़ अभी नहीं देख रहे। सही है,
यानी हम आमतौर पे ऐसा तो नहीं होता ना, हमें किसी वेरिएबल को एक्सेस करना करना होता है तो हमें एक्सप्लिसिटली उसका एड्रेस टाइप करना होता है मेमोरी के अंदर कि वो कहाँ पर स्टोर हुआ है। सही है, असेंबली तो चल नहीं रही है, असेंबली में शायद होता है। सही है, तो ऐसा तो कुछ इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे जो पब्लिक इंट आई डेटा की जो सर ने क्लास बनाई थी ना की, तो मेरे ख्याल से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट की और भी तुम अगर गूगल पे कोड वगैरह देखोगे तो वहाँ पे की कोई क्लास नहीं, सिर्फ एक डेटा की क्लास होती है, यानी सिर्फ एक डेटा की प्रॉपर्टी होती है सही, जिसके अंदर डेटा आता है और दूसरा अगली अगले वेरिएबल का वो आता है, अगले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाता है। यानी हमें एक्सप्लिसिटली नहीं, डायरेक्टली नहीं पता होता कि यानी अगला वेरिएबल किस जगह पर है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन हमें मिलती नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पता होता है, हम उसका रेफरेंस असाइन करते हैं। ठीक है, अभी रेफरेंस वगैरह सब क्या है, कि पब्लिक लिंक नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? ये अगले वेरिएबल का रेफरेंस है या अगले वेरिएबल का एड्रेस के लो, लेकिन नहीं, हमें लिंक क्या है इसमें? लिंक ये क्लास का रेफरेंस, अभी बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर है। नहीं रुको, भाई एक नोड होता है उसके अंदर। अच्छा जैसे यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये नोड का ना कोड बना है। सही है, नोड हमारे पास क्या चीज़ है, नोड हमारे पास ये चीज़ है। सही, यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो वेरिएबल है ना जो डेटा को होल्ड करेगा, सही है, डेटा को होल्ड करेगा और अगले वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, दो चीज़ें होल्ड करेगा, ये हमारा नोड होगा। सही है, तो नोड की ना क्लास ही है और एकदम सिंपल क्लास है। सही है, एक वेरिएबल डेटा को स्टोर करने की। सही है, डेटा भी ना हमारा इंटीजर अभी रख। सही है, बाद डिफरेंट वेरिएबल्स भी हम रख सकते हैं, डेटा टाइप भी रख सकते हैं, एक अलग है। सही है, और ये क्या है, दूसरी है पब्लिक नोड नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वेरिएबल का नाम हो जाएगा और नोड उसकी क्लास होगी, तो ये ना अगले वेरिएबल को होल्ड करेगा, यानी अगले वेरिएबल का एड्रेस। सही है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अभी फिर लिस्ट की क्लास पर आ गए, तो इस क्लास में ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, दूसरी क्लास पर आ जाते हैं। जो लिस्ट की क्लास थी उसको तूने नोड क्लास बनाया? एक सर की लिंक की क्लास है और एक सर की लिंक लिस्ट की क्लास है, तो सर की जो लिंक की सही क्लास है ना वो असल में नोड की क्लास है। अब नाम है। तो जो नोड इसलिए दे देना, फिर लिंक और लिंक लिस्ट की क्लास में बंदा कंफ्यूज होता रहेगा बार बार, सही है, सही पढ़ाने है, वाला भी समझ में आ रहा सही है। है, ये इसीलिए उसको नोड ही भेज दिया। इसको कोड वजह तू कर रहा है ना, उसको थोड़ा जूम कर लियो। सही है, ये चीज हो गई है। दूसरा हमारे पास फिर क्या कहते हैं, तो दूसरे हमारे पास ना बेसिकली ये लिंक लिस्ट की क्लास है। सही है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल अपना डिफाइन करा हुआ है प्राइवेट लिंक फर्स्ट। फर्स्ट से मुराद हमारा क्या होगा, सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग सी बात है, मल्टीपल एलिमेंट मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल नोड होंगे एक लिंक लिस्ट के अंदर, उनमें से जो सबसे पहला होगा वो ये प्राइवेट लिंक फर्स्ट होगा, यानी उसका नाम फर्स्ट है। सही है, अच्छा जब हम अपनी क्या कहते हैं, अच्छा अभी यहाँ पे हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर करा है, सही, प्राइवेट लिंक फर्स्ट को, इसको तो प्राइवेट अब क्यों करा हुआ है? तो छोड़ दो ना, प्राइवेट पब्लिक अभी छोड़ दो, उसमें इतना कोई फर्क नहीं। सही है, अच्छा क्या कहते हैं इसको, हमने भी खैर प्राइवेट का यानी मैं से वैसे जो लिखा हुआ है अच्छा, वो, ये जो सर ने लिंक फर्स्ट लिखा हुआ, ये असल में नोड फर्स्ट है ना? हाँ अभी कोड में आऊँगा ना तो कोड में दोबारा बता दूंगा। सही, ठीक सही है। है, अच्छा अभी जब जब भी हम किसी वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या कहते हैं, सिर्फ उसकी जो डिफॉल्ट पे वैल्यू होती है आमतौर पर, अगर यानी किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं उसकी डिफॉल्ट पे वैल्यू नल होती है। सही है, जब तक हम उसको इनिशियलाइज नहीं करवाए। सही, जैसे अगर मैं सिर्फ इंट ए और फिर सेमी कॉलन लगा के छोड़ दूँ तो उसके अंदर जीरो आ जाते। सही, इस तरह यानी डिफरेंट चीज़ है। तो हमने यहाँ पे क्लास के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल को डिफाइन करा फर्स्ट। सही है, उसके
इसकी डेटा टाइप क्या है, नोड है, सही, यहाँ पे लिंक लिखा वैसे नोड हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अच्छा दूसरी चीज़ हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्टर, सही है। तो जब भी हम लिंक लिस्ट की कोई अपनी क्लास बनाएंगे, नहीं यानी हम अपनी कोई लिंक लिस्ट इनिशियलाइज कर, हम एक लिस्ट बना रहे, जैसे एरे बनाते थे ना, एरे क्रिएट करते, वैसे अगर हम अपनी कोई लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट है ना, उसको हमने एक्सप्लिसिटली भी यहाँ पे नल सेट कर दिया, सही है। तो जब कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा तो वो फर्स्ट को क्या कर देगा, नल, सही है। यही होता है ना, एरे पहले हम आमतौर पर इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज क्या कहते हैं, एक के बाद एक दे देते हैं, सही है। हम एक साथ ये भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज एरे को एक टाइम पे भी कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर, लेकिन दूसरी अप्रोच के थ्रू समझा रहा हूँ। पहले एरे को सिर्फ डिक्लेयर करा कितने एलिमेंट आएंगे, ये सारी चीज़ होती है, फिर उसके बाद हम एक के बाद एक वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, लिंक लिस्ट को सिर्फ इनिशियलाइज करा जा रहा है, लिंक लिस्ट के की क्लास का ना अपना सिर्फ एक वेरिएबल है फर्स्ट, और फर्स्ट की ना हमने वैल्यू रखी है नल, ठीक है। अभी यानी फर्स्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नल है, सही है। अभी तक कोई नोड हमने लिंक लिस्ट के अंदर नहीं डाला, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी कोई भी वैल्यू नहीं है और फर्स्ट क्या है, नल है, सही है। तो अगर हमें चेक करना होगा कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है, सही है, तो उसके लिए हम यही चेक करेंगे ना कि फर्स्ट नल है कि नहीं। अगर फर्स्ट नल होगा तो लिंक लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी, सही है, ठीक है। यानी यहाँ पे वही इज एम्प्टी का यहाँ पे एक फंक्शन बना है, सही है, ये बूलियन टाइप रिटर्न करेगा, सही है। तो यहाँ पे वही चेक हो रहा है, अगर फर्स्ट इक्वल टू नल है, जैसे अभी तक हमने सिर्फ लिंक लिस्ट अपनी इनिशियलाइज करवाई थी यहाँ पर, सही है, तो फर्स्ट हमारा क्या था, नल था, तो फर्स्ट हमारा नल है और लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी भी थी, तो ये तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और जो हमारे इज एम्प्टी का फंक्शन है फिर वो भी ट्रू रिटर्न कर देगा इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे हाथ में कोई मसले नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पे सर ने ना मेन दो फंक्शन करवाए थे, ठीक है, डिस्प्ले लिस्ट को तो छोड़ दो, ये इतना कोई खास नहीं है, सही है। पर बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डालेंगे, सब चीज़ें अपने हिसाब से बंदे को लगाएंगे, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। एक हमारा एक इंसर्ट एट फर्स्ट ऑफ लिस्ट है, इंसर्ट एट स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, सही है। यानी इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट का क्या मतलब है, जैसे अगर लिस्ट खाली है तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, अब पहला एलिमेंट मौजूद है, सपोज पहला एलिमेंट 10 था, अब हम 20 स्टोर कर रहे हैं, तो अब सबसे पहला एलिमेंट क्या बनना चाहिए, 20, सही है। पहला एलिमेंट 20 हो जाएगा, फिर 10, अब मैं सपोज 50 डालना चाह रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, 50, 20 और 10, ठीक है, इस तरह करके, सही है। अच्छा, इसका बोलिए, दोबारा बोलिए एक दफ़ा। यानी जो भी एलिमेंट हम डालेंगे इंसर्ट एट स्टार्ट ऑफ लिस्ट का क्या मतलब है, यानी जैसे लिस्ट खाली है, मैंने सबसे पहले 10 डाला, सही है, तो ऐसे आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल है लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर मैंने उसके अंदर सपोज 20 डाला, तो 20 को किस, अगर मैं स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ तो 20 किस जगह आना चाहिए, 10 से पहले आना चाहिए, बाद में 10 से पहले आएगा, ठीक है। लिस्ट हमारी पूरी क्या बन जाएगी, 20 10। इसी तरह फिर 50 डाल लो, स्टार्ट में डाल लो, तो कहाँ आ जाएगा, 50, फिर उसके बाद होगा 20, फिर उसके बाद होगा 10, सही है, सही है। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, अब फंक्शन को जरा कोड के थ्रू समझा दो, सही है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये लिंक लिस्ट की क्लास बनाई है, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। पहले हमने वैसे ही नोड का फर्स्ट का वेरिएबल बना दिया, नोड डेटा टाइप का, सही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट को नल कर दिया, यानी जब हम अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट हमारा नल होगा, यानी कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, सही है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया कि ये चेक करने के लिए कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है, सही है। अच्छा, हम एक ये बात याद रखना है कि हो सकता है लिंक लिस्ट के थ्रू डिफरेंट डेटा टाइप स्टैक और क्यू को बनाने में जाए ना, हो सकता है शायद इस चीज़ में लोग कंफ्यूज हो जाए कि क्या कहते हैं, स्टैक की और क्यू की भी जो सर ने हमें पढ़ाते, स्टैक और क्यू हमें एरे के थ्रू पढ़ाया था, तो स्टैक और क्यू का क्या था, एक मैक्स साइज मौजूद था, सही है। एरे का भी हम अगर सिर्फ एरे और लिंक
हम जनरली स्ट्रक्चर में बनाते क्यों, हम एरे की वजह से बनाते हैं ना, क्योंकि एरे में क्या होता है कि एरे का फिक्स साइज होता है। वन ऑफ द मेन रीजन लिंक्ड लिस्ट को बनाने का क्या है कि लिंक्ड लिस्ट का कोई भी फ्री साइज नहीं है, तो हम जब चाहें एक वेरिएबल बना के एक नया नोड बना के उसको पुरानी लिंक्ड लिस्ट के नोड से अटैच कर सकते हैं एट एनी गिवन प्लेस, यानी हम जिस जगह पर भी चाहें, चाहे आखिर में जाएँ, फर्स्ट में जाएँ, कहीं मिडिल में जाएँ, कहीं भी जाएँ कर सकते हैं। तो ये सबका तरीका अलग होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, सही है। तो लिंक लिस्ट को बनाने का यानी कहने का मकसद ये है कि लिंक लिस्ट में ना कोई भी मैक्स साइज नहीं है, सही है, एरे में हमारे पास मैक्स साइज होता है, सही, और हमने एरे के थ्रू सर ने हमें स्टैक क्यू बढ़ाया था तो वहाँ पे हमारे पास मैक्स साइज मौजूद था, लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू अगर चाहे स्टैक बनाए, चाहे लिस्ट बनाए, चाहे क्यू बनाए, कुछ भी बनाए, नोड्स को यूज़ कर देते हुए, असल मकसद कहने का है कि अगर नोड्स को यूज़ करते हुए हम कोई और किसी भी तरह की लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास जो लेंथ का कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो जाता है, यानी फिक्स्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं रहता था, फिक्स्ड लेंथ नहीं रह सकती, ये यानी नोड्स को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई, ठीक है, तो मैंने यार कोड ही उड़ा दिया, हाँ सर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमने सबसे पहले क्लास बनाई, अपना एक बेसिक फर्स्ट वेरिएबल बनाया, फर्स्ट नोड बनाया, सही, अभी तक हमने कोई नोड दिया नहीं था, तो हमने क्या कहते हैं ये क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने फर्स्ट को नल सेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया था ये चेक करने के लिए कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है कि नहीं, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो उसकी क्या निशानी होगी कि फर्स्ट जो है वो नल के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर यही चेक करेंगे फर्स्ट क्या नल के बराबर है, फर्स्ट डबल इक्वल टू नल, सही, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, सही है, अगर हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट लिस्ट बनाने के बाद इसको चेक करेंगे तो हमारे पास इज एम्प्टी ट्रू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक की तो हो गई बात, सही है। फिर अब हम बात कर रहे हैं इंसर्ट, अभी हम इस कोड के अंदर सर ने सिर्फ इंसर्ट फर्स्ट का कोड लिखा है, सही है। अच्छा, इंसर्ट फर्स्ट का करने का क्या मतलब था कि अगर हमारे पास, हमने सबसे पहले पहले हमारे पास लिस्ट के अंदर कुछ मौजूद नहीं था, फिर सबसे पहले हमने क्या डाला 10, ठीक है, फिर अब हम 10 के बाद सपोज डालना चाह रहे हैं 20, तो 20 बजाय इसके कि वो बाद में आए, 20 बाद में नहीं आएगा 20, क्योंकि हम इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ लिस्ट कर रहे हैं तो 20 आ जाएगा पहले। इसी तरह फिर हम अगर 50 डाल लें तो 50 कहाँ आना चाहिए, वो भी आना चाहिए पहले, सही है। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट क्या थी 10, सबसे पहले तो खाली थी, फिर 10 हुई, फिर 10 के बाद हमारे पास क्या हो गए 22 10 हो गए, सही, दो वेरिएबल आ गए। फिर हमारे पास क्या हो गए 50 20 10, सही है, यानी ये एक तरह से इंडेक्स, फर्स्ट फर्स्ट नोड पे 50 होगा, फिर सेकंड नोड पे 20 होगा, और लास्ट नोड पे या थर्ड नोड पे 10 होगा, सही है, इसमें तो मसला नहीं है, सही है। अभी तक हम, अभी यहाँ पे हम सिर्फ इंसर्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे, यानी इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द इंसर्ट एट स्टार्ट ऑफ लिस्ट, सही है, मिडिल में और आखिर में कैसे करना वो बाद में देख लेंगे, सही है। आप बाद में इंसर्ट करने का तो सर ने शायद बताया, मिडिल का पता नहीं सर ने लिखा है, बोला हुआ तो है शायद, सही है। तो क्या कहते हैं, अच्छा, इंसर्ट फर्स्ट में हम सबसे पहले आ रहे हैं, तो हमने क्या करा, अपने फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, जो भी हमारा डेटा है वो हमने पास कर दिया, सपोज अभी हम सिर्फ इंटीजर डेटा ले रहे हैं ये सब, सही है, तो हमने इंटीजर डेटा पास करा, सही है, जो भी हमारी इंटीजर की वैल्यू थी, सही है सब। और फिर क्या हुआ, फिर हमने ना क्या कहते हैं टेम्प के नाम से ना एक नोड क्रिएट करवाया, सही है, टेम्पोरेरी के, टेम्पोरेरी का शॉर्ट, सही है, तो टेम्प के नाम से हमने एक नोड क्रिएट करवाया, सही है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे जो डी वैल्यू पास करी थी वो डी वैल्यू यहाँ पे हमने उसको दे दी, और एक हमारा क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे ये दो लाइन मेन है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें असल में दो चीजें सेट करनी है, ठीक है, एक वेरिएबल को सेट करना है अपनी लिस्ट के अंदर, सही है, नोड के अंदर दो चीजें होती है ना हमारे पास, सही है, नोड के अंदर हमारे पास दो चीज होती है ना, एक डेटा आइटम होता है, सही है, दूसरा हमारे पास अगले आइटम का एड्रेस होता है, ठीक है, सही है। अच्छा, क्या कहते हैं, सही है, अच्छा, तो जो नेक्स्ट आइटम होता है हमारा, उसका एड्रेस हमारा डिफॉल्ट पे क्या होता है, नल होता है, सही है, डिफॉल्ट पे नल कैसे होता है,
क्योंकि हमने यहाँ पे जो पब्लिक नोड नेक्स्ट जो बनाया था उसको हमने यहाँ पे नोड की क्लास के अंदर कहीं इनिशियलाइज नहीं करा, सही है, और ना यहाँ पे कहीं यानी कहीं पे भी हमें इसको एक्सप्लिसिटली नेक्स्ट का जो एलिमेंट है ना या नेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी के लिए, सही है, हमें उसको एक्सप्लिसिटली वो सेट करना पड़ेगा, सही है, कोड के थ्रू, ठीक है, यानी वो खुद किसी फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली सेट नहीं होगा, सही है। तो जब हम जब हम नया नोड बनाएंगे तो वो सिर्फ उस के अंदर डेटा स्टोर करेगा, नेक्स्ट को सेट नहीं करेगा, एड्रेस को सेट नहीं करा है, सही है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा, हमने सिर्फ नोड बनाया 10th, सही है। अच्छा अभी सपोज क्या कहते हैं, अभी तो सबसे पहले हम सपोज 10 डाल लें, सही है, तो 10 तो ऐसे ही चला जाएगा लिस्ट के अंदर, सही, क्योंकि कोई और वेरिएबल नहीं था, चाहे इंसर्ट फर्स्ट करो कुछ भी करो, सही, जब फर्स्ट एलिमेंट डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज अभी 10 ना हमने लिस्ट के अंदर डाल चुके मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब हम सेकंड एलिमेंट डाल लें मिसाल के तौर पे 20 डाल लें, सही, 10 हमारे लिस्ट में मौजूद है, हमने इंसर्ट फर्स्ट में अब 20 पास करा, सही है, हमने एक नया टेम्प का नोड बनाया उसके अंदर हमने 20 की वैल्यू पास करी, सही है। तो अब हमें 20 को कहाँ पे रखना है, अच्छा बल्कि एक काम करते हैं 10 से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट फर्स्ट में हमने 10 को पास करा, हमने अपना टेम्प के नाम का एक नोड बनाएंगे, सही, उसके अंदर हमने 10 की वैल्यू पास करी, हमारा एक टेम्परेरी नोड तैयार हो गया जिसके वैल्यू क्या है 10 है, सही है, अभी कोई एड्रेस का कोई अभी हमने सेटिंग नहीं करी है, सही है। तो हमें क्या करना है, हमें असल में टेम्प हमें जो नेक्स्ट है हमें उसको नल रखना है ना, सही, क्योंकि वेरिएबल तो हम फर्स्ट में डालेंगे, सही है, यानी अगर हम 10 के बाद जो भी एलिमेंट डालते जा रहे हैं वो उसके पीछे आते जा रहे हैं ना, क्योंकि इंसर्ट फर्स्ट यूज कर रहे हैं, तो टेम्प का जो नेक्स्ट इधर आएगा ना, नेक्स्ट ये है और प्रीवियस ये आ रहा है, सही है, 10 का नेक्स्ट राइट साइड हो गई और 10 का प्रीवियस क्या ये है, ठीक है। तो हमें असल में किसको नल रखना है, एक तरह से 10 के आगे को, ठीक है। तो हमने क्या करा, टेम्पोररी जो वेरिएबल टेम्पोररी नोड जो हमने बनाया था हमने क्या करा उसके नेक्स्ट को क्या असाइन कर दिया, फर्स्ट, सही है, मगर फर्स्ट क्यों असाइन कर दिया, फर्स्ट इसलिए असाइन करा क्योंकि अभी हमारे पास लिस्ट में इनिशियली कोई वेरिएबल मौजूद नहीं था, लिस्ट हमारी एम्प्टी थी, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, नल होगा, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा नल होगा। तो उसके बाद और हमने अपना पहला क्या कहते हैं, पहला नोड दिया है 10 के नाम, वो 10 वैल्यू का, सही है, तो हमने उसका नेक्स्ट को सबसे पहले तो नल रखना पड़ेगा, सही है, क्योंकि ये तो अभी एक तरह से लास्ट एलिमेंट 10 खुद ही है, तो इसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो इसके आगे नल होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम असल में टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू फर्स्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एड्रेस सेट कर रहे हैं, सही है, कि टेम्प का जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, सही है, अब टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या चला गया, फर्स्ट चला गया, यानी ये जो 10 का जो नेक्स्ट था इसके अंदर क्या आ गया, ये नल हो गया, सही है, ये नल सेट हो गया, लेकिन क्या कहते हैं, हमने इसको नल सेट करा है, सही है, और 10 हमारा वैसे ही मौजूद है, हमने अभी तक इसको लिस्ट के साथ एक तरह से जोड़ा ही नहीं अभी तक, सही, अब हम इसको लिस्ट के साथ जोड़ रहे हैं, किस तरह जोड़ रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल था वो अभी भी नल ही था, सही, फर्स्ट को तो हमने अभी तक सेट ही नहीं करा है, सिर्फ स्टार्ट में सेट करा था नल, सही है, और उसी की मदद से हमने टेम्प डॉट नेक्स्ट को क्या कर दिया, फर्स्ट के थ्रू नल सेट कर दिया, और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर हम टेम्प को स्टोर कर रहे हैं, सही है, यानी सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 10 का एक वेरिएबल बनाया, सही है, फिर क्योंकि 10 हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, सही है, अभी लास्ट एलिमेंट कैसा होगा वो भी बाद में देखेंगे, एक तरह से ये भी कह सकते हो कि क्योंकि जो भी हम चीजें डाल लें वो फर्स्ट में डाल लें, तो हमारा जो सबसे पहले हमने जो चीज डाली है वो 10 डाली है, तो उसके आगे की चीजें हमेशा नल ही रहेंगी, सही, क्योंकि हमारे पास एक ही मेथड है ना इंसर्ट फर्स्ट, सारी चीजें एक के बाद एक इधर होती चली जाएंगी, सही है, तो 10 के आगे तो हमेशा नल ही रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहली लाइन में हमने क्या करा, टेम्पररी नोड बनाया, वो क्या था, वो 10 था, फिर अगली लाइन में हमने क्या करा, टेम्प डॉट नेक्स्ट को नल सेट करा, तो 10 हमारा ये था,
और इसके नेक्स्ट का हमने जो प्रॉपर्टी वगैरह थी इसको हमने नल सेट कर दिया। नल किस तरह सेट करा, फर्स्ट हमारा ऑलरेडी अभी तक नल था, सही। नल क्यों था वो कंस्ट्रक्टर की वजह से था, क्योंकि अभी तक लिस्ट में कोई आइटम ही नहीं था, सही, इसलिए फर्स्ट नल था, इसीलिए हमने उसको फर्स्ट दे दिया, ठीक है। कोई ये कह सकता है कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नल क्यों नहीं टाइप कर रहे, सही है, तो उस पर भी आगे आएंगे, सही है, अगले अगले आइटम के ओर, सही है। तो 10.next में हमने अभी के लिए नल डाले, सही है, ये 10 डाला, फिर उसके नेक्स्ट में नल डाल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, अभी तक हमने इसको किसी तरह भी लिस्ट के साथ नहीं जोड़ा, तो अब हम उसको फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल था, सही है, लिस्ट का फर्स्ट किसका वेरिएबल था, लिंक लिस्ट का वेरिएबल था ना फर्स्ट, सही, लिंक लिस्ट की क्लास का वेरिएबल था फर्स्ट, तो अब हमने क्या करा, फर्स्ट को क्या असाइन कर दिया, टेम्प असाइन कर दिया यहाँ पे, सॉरी चेंज, सही है, यहाँ पे फर्स्ट को हमने टेम्प असाइन कर दिया, सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है अभी तक? नहीं सेट है। सेट है, सही है। अभी हमारा क्या हो गया, 10 हमारा वेरिएबल आ गया, और 10 के नेक्स्ट को हमने नल सेट कर दिया, यहाँ तक का काम हो गया। अब हम दूसरा वेरिएबल डाल लें, अगर ये समझ गए तो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम दोबारा इंसर्ट फर्स्ट हमने कॉल करा, सही है, अब हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट डाल लें 20, सही है। हमने वैसे ही एक दोबारा क्या काम करा, एक टेम्पररी नोड बनाया जिसकी वैल्यू हमने रख दी 20, सही है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ मेमोरी में ना 20 को क्रिएट करा, सही है, 20 का नोड नोड क्रिएट हुआ, 20 का नोड अभी तक किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, सही है। अब हमें इसको, सही है, अभी तक हमारा एक, ये दो आपस में एक तरह से कनेक्टेड है लिंक लिस्ट के अंदर, सही, भले नेक्स्ट न ले लेकिन आपस में ये दोनों कनेक्टेड है, सही। अब हमें 20 को इनसे कनेक्ट करना है। अब 20 को इनसे किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, हमें, हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट फर्स्ट कर रहे थे ना, यानी स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, सही, 20 हमने सबसे पहले क्रिएट करा, पहली लाइन के अंदर टेम्पररी नोड क्रिएट करा, इसकी वैल्यू थी 20। दूसरे में हमने क्या करा, अच्छा अभी अभी पिछली बार जब हमने 10 डाल लेते ना, तब हमारा टेम्पररी नोड क्या था, 10 था, सही, लेकिन इस बार क्या है, टेम्पररी नोड हमारा 20 है, सही, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, तो इस बार हमारा टेम्पररी नोड जो है वो 20 है। तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 20 को क्रिएट करा, सही, उसके बाद हमने क्या करा, टेम्प हमारा यहाँ पे भी क्या है 20, हमने क्या करा, 20.next, टेम्प डॉट नेक्स्ट का क्या मतलब हो गया, 20.next किसके बराबर हो जाए, फर्स्ट के बराबर हो जाए, सही, फर्स्ट के बराबर होने का मतलब क्या है, फर्स्ट के एड्रेस के अभी बराबर हो गया ना मतलब। हाँ फर्स्ट के एड्रेस के बराबर हो जाए, सही, ठीक है। तो हमने क्या करा, टेम्प हमारा क्या है 20, 20.next क्या हो जाए, फर्स्ट हो जाए, सही, यानी फर्स्ट का एड्रेस, सही है। तो हमने 20 क्रिएट करा पहले स्टेप में, फिर हमने बोला 20.next, सही है, 20 का नेक्स्ट ये है 10 है, सही है, हमने बोला इसको इसको सेट कर दो फर्स्ट, सही है, यानी अभी हमारा क्योंकि हमारा ये 20 को डालने से पहले फर्स्ट जो सेट था वो क्या सेट हुआ हुआ था, 10 सेट हुआ हुआ था, ठीक है, तो 10 सेट होने की वजह से, अच्छा, जो हमें इंसर्ट कराने होंगे वो पहले एक साथ ही करवाने होंगे, है ना? क्या मतलब, मतलब अगर दो या तीन हमें इंटीजर्स इंसर्ट कराने हैं तो सबको एक साथ ही कराना होगा हमें। बार बार हमें एक तरह से फंक्शन कॉल करने का, बार बार कॉल करने का तरीका लूप के थ्रू ही कर लो, वो जैसे तो सही करवा, है, मतलब हमें पहले सारे एक साथ इंसर्ट कराने होंगे फिर डिस्प्ले करवाएंगे ना। हाँ वो तो इतना नहीं, तुम दो इंसर्ट करा दो फिर डिस्प्ले करा दो, मैं तो यहाँ पे ये कमेंट करके ना ये सिर्फ समझाने के लिए ये यूज कर, ठीक है, सही है, सही, चल सही है, सही है। तो सही है। सबसे पहले हमारा यानी फर्स्ट नल था, सही है, सबसे पहले फर्स्ट नल था, फिर हमने जब 10 डाला था, सही है, तो हमने 10 के आगे वाले को क्या कर दिया था, नल कर दिया था फर्स्ट की मदद से। अब यहाँ पे हम 20 डाल लें, पहला स्टेप तो क्लियर हुआ, वैसे ही उसमें भी मुझसे गलत नहीं था, ठीक है। हमने यहाँ पे 20 का नोड बनाया, फिर 20.next, सही है, हमने अभी सिर्फ 20 का नोड बनाया, हमें क्या करना है इसके नेक्स्ट को ना 10 करना है, तो हमने क्या करा, अभी नेक्स्ट 10 का एड्रेस क्या, 10 का एड्रेस क्या था हमारा, जो अभी हमने जब पिछली बार इंसर्ट फर्स्ट का फंक्शन कॉल करा था तब हमने क्या करा था, हमारा टेम्प तब 10 था, और हमने आखिर में फर्स्ट को किसके बराबर कर दिया था, 10 के बराबर कर दिया था, तो अभी हमारे पास जो असल में वो जो 10 की वेरिएबल का जो एड्रेस है वो फर्स्ट के पास है, सही, वो 10 का वेरिएबल असल में कौन है, फर्स्ट है, सही। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अब 20 का नोड बनाया पहली लाइन में, 20 का नोड बनाने के बाद 20.next को
ये 20 और ये 20 डॉट नेक्स्ट को हमने फर्स्ट 10 सेट करना है, 20 डॉट नेक्स्ट और यहां फर्स्ट में पे, फर्स्ट में अभी 10 सेट हुआ होगा ना क्योंकि फर्स्ट टाइम के बराबर हो गया था, फर्स्ट 10 के बराबर, तो यहां पे फर्स्ट को डाल दिया, सही है, सही है। अभी यहां पे ये कनेक्शन हो गया, सही है, लेकिन अभी भी एक मसला है। मसला क्या है, हमने लिस्ट तो बना ली, हमारा पहला वेरिएबल ये, दूसरा वेरिएबल ये, तीसरा वेरिएबल ये, ठीक है, जो हमारा बेसिकली नल है, आखिरी तीसरा कह लो, सही है, उसको नहीं मिला, सही है, लेकिन हमारा जो अभी भी पॉइंटर जो था वो फर्स्ट अभी भी 10 दूसरी लाइन तक, सही है। असल में अगर हम इंसर्ट फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वेरिएबल किसको हो जाना चाहिए, 20 को हो जाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट अभी भी हमारा क्या है, 10 है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वल टू 20, सही है, क्योंकि टेम्प के अंदर क्या है हमारे पास, 20 मौजूद है, सही है। हाँ सही है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब 50 इंसर्ट करेंगे तो वो टेम में जो है वो 20 रहेगा। सही है, यहाँ पे एक 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 लाइन, एक में हम अपना वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, फिर एक में हम एड्रेस सेट कर रहे हैं, और एक में हम अपना पॉइंटर कह लो या जो भी कह लो, पॉइंटर को अपडेट करा रहे हैं। हाँ, पॉइंटर को अपडेट करा रहे हैं, यानी पहले हमने कनेक्शन बनाया, वो पहले वेरिएबल बनाया, फिर कनेक्शन करा उसका लिंक लिस्ट के साथ, फिर पॉइंटर को रीसेट कर, सेट है, सही है, सही है। इसी अब डिलीट भी सेम ही है, ठीक है, डिलीट में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा मान लो अब हमने ना 50 20 और 10 हमने स्टोर करा दिया, 10 के आगे तो नली होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं, बार बार, ठीक है, अब हम डिलीट कर रहे हैं, सही है, और डिलीट का भी कौन सा है, डिलीट फर्स्ट, यानी अगर हमारे पास 50 20 और 10 मौजूद है तो 50 डिलीट होना चाहिए, ठीक है, तो हमने डिलीट फर्स्ट कॉल करा, सही है, हमने टेम्प के नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या स्टोर करा दिया, फर्स्ट, फर्स्ट क्यों स्टोर कराया, क्योंकि फर्स्ट क्या होगा उसको, 50 होगा, ठीक है, इसमें तो मसला नहीं है, हाँ सही है, ठीक है, फर्स्ट उस वक्त हमारा 50 होगा, तो हमने टेम्प का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 50 को स्टोर कर दिया, सही है। अच्छा 50 के नेक्स्ट में क्या मौजूद था, 20 मौजूद था, सही है, उसका एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा, तो हमने क्या करा, फर्स्ट को रीसेट करा, सही है, सबसे पहले हमने ना उस 50 को ना टेम्पररी तौर पे कहीं स्टोर कर लिया, सही है, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, अब हमें क्या करना है, पॉइंटर सेट करके 20 पे लाना होगा, सही है, तो हमने क्या करा, पॉइंटर सेट करा, फर्स्ट हमारा पॉइंटर था, उसको हमने क्या सेट कर दिया, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, फर्स्ट ये था, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट 20 था, हमने फर्स्ट को क्या कर दिया, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट कर दिया, तो हमारा अब लिस्ट ये बन जाएगी, ठीक है, और हम चाहें तो हमें डिलीट करके, हो सकता है हमें डिलीट करके अपना वेरिएबल रिटर्न भी करवाना हो, तो हमने यहाँ पे एक रिटर्न टेम्प कर दिया, सही है, अगर हमें रिटर्न नहीं कराना होता तो यहाँ पे वॉइड होता, सही है, और रिटर्न टेम्प भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमें डिलीट करते हुए जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं ना, अगर हमें उसको रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, सही है, तो सिर्फ हमारा ये एक लाइन का कोड, देखो जरूरी नहीं है कि हम डिलीट कराते हुए ना अपने नोड को रिटर्न करें, ठीक है, इसमें तो मसला नहीं है ना, अगर मैं कोई वेरिएबल, अगर एरे में से कोई चीज़ डिलीट कर रहा हूँ या लिस्ट में से कोई चीज़ डिलीट कर रहा हूँ, लिस्ट की बात करते हैं, एरे की बात नहीं करते, अगर लिस्ट में से मैं अपना कोई वेरिएबल, कोई नोड डिलीट कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए हो, सही है, तो हमें बेसिकली असल काम क्या करना है, पॉइंटर हमारा फर्स्ट पे मौजूद था, हमें उसको फर्स्ट डॉट नेक्स्ट पे ले आना है, सिर्फ इतना सा लाइन ऑफ, सिर्फ सेकंड लाइन ऑफ कोड भी काफ़ी होगा, लेकिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि हमें जो डिलीट, जिस नोड को, जिस वैल्यू को डिलीट कर रहे हो उसकी हमें ज़रूरत हो, तो इसलिए हम उसको रिटर्न भी करा रहे हैं, अगर हम इसको कहीं स्टोर, अगर हमें इसको कहीं स्टोर करना होगा डिलीट करने वाले होने वाले एलिमेंट को, तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना होगा तो भी ये रिटर्न करेगा, लेकिन इसके रिटर्न का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने कहीं स्टोर नहीं करा, तो दोनों सूरतों में हमारा काम हो जाएगा, सही है, कोई कंफ्यूजन है डिलीट के अंदर? अच्छा जो सर एक सब बोल लेते सवाल बार बार के, लूप डिटेक्ट करना है, लूप डिटेक्ट करना है, वो किस तरह से होगा? एक सर बोल लेते ना बार बार सवाल के, लिंक लिस्ट में लूप डिटेक्ट करना है, लूप डिटेक्ट करना है, बार बार कह जा रहे थे ना कि मैं सवाल दूंगा लिंक लिस्ट में लूप डिटेक्ट करके बता दूं, तो किस किस हवाले से बात कर रहे, कुछ याद आ रहा है? यार बिल्कुल नहीं, लिंक लिस्ट में लूप कहाँ से बनाएगा,
वही मैं कह रहा हूँ, सर बोल रहे थे बार बार कि लिंक लिंक से लूप डिटेक्ट करो। अब ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या सवाल ऐसे बोल रहे थे। सर्कुलर लिंक यूज करो नहीं कह रहा हूँ, चलो देख लेंगे पूछ लेंगे। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं ना वैसे? नहीं नहीं यहाँ तक तो सेट है। सही है, तो ये बेसिक हमारी लिंक लिस्ट क्लास हो गई और मोड हो गए। सही है। अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा इसी तरह अगर हमारी ये डबली लिंक लिस्ट होती तो सिर्फ एक नोड की क्लास के अंदर क्या चेंज आता कि पब्लिक नोड नेक्स्ट बना था, इसी का एक का एक और वेरिएबल बन जाता प्रीवियस का। सही है, उसमें नेक्स्ट नोड का भी वैल्यू मौजूद होती, प्रीवियस की भी मौजूद होती। सही है, और अगर सही है एक नोड के अंदर ये चेंज आता नोड की क्लास के अंदर, और क्या कहते हैं लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर भी कुछ चेंजेस आते इनडायरेक्टली आते। इनडायरेक्टली से मतलब क्या है कि अगर हम इंसर्ट फर्स्ट कर रहे थे तो हमने नेक्स्ट को सेट करा था, हमें प्रीवियस को भी काइंड ऑफ सेट करना पड़ेगा। सही है, और हम डिलीट कर रहे थे, हमें हो सकता है प्रीवियस को भी सेट करना पड़े। सही है, एक तो भी थोड़ी तो याद करनी है, देख लेंगे। सही है, डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले की क्लास के अंदर कोई ऐसा खास काम तो नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा तो ये डिस्प्ले लिस्ट कब हो गया, उसका रिकॉर्डिंग बन गया। डिस्प्ले लिस्ट का ये हमारा फंक्शन हो गया। सही है, इसमें पहली लाइन में हम फर्स्ट टू लास्ट प्रिंट करवा रहे हैं। सही है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हो गया हमारे पास। सही है, और ये कर दो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टू लास्ट की ये लाइन प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं करंट के अंदर फर्स्ट वेरिएबल अपना सेट कर रहे हैं लिंक लिस्ट का। सही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 50 मिसाल के तौर पर, सपोज हमारे पास यहाँ पे 50 था, तो हम यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट हमारा 50 होगा तो करंट के अंदर हमने 50 दिया, और फिर हम एक वाइल का लूप चला रहे हैं। सही, उसके अंदर कंडीशन क्या है वाइल के लूप की, जब तक करंट नल नहीं हो जाता ना तब तक वाइल का लूप चलता रहेगा। करंट को नल किस तरह करना है उस पर भी आते हैं जरा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहली बार लूप चलेगा, तो करंट हमारा अभी क्या सेट हुआ है 50 सेट हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेगा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट करंट। करंट असल में क्या है, करंट तो असल में नोड है, और नोड की एक प्रॉपर्टी थी डेटा टाइप की, नोड की एक प्रॉपर्टी थी डेटा। सही है, ठीक है, तो उसके अंदर हम असल में वैल्यू स्टोर कर रहे थे नोड की क्लास के अंदर। ठीक है, नोड के अंदर एक डेटा प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही थी, तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट करंट, उसका डेटा प्रॉपर्टी एक्सेस करके उसको प्रिंट करवाया, और फिर एक स्पेस दे दी ताकि अगली वैल्यू जब प्रिंट हो तो कम मिक्स ना हो। ठीक है, और फिर क्या कर दिया करंट को रीसेट करा करंट डॉट नेक्स्ट पर। ठीक है, यानी क्या मतलब करंट डॉट नेक्स्ट उस वक्त क्या था 20 था, और हमने 20 को क्या बना दिया करंट। इसी तरह फिर 20 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 10 का नेक्स्ट क्या है, 10 का नेक्स्ट नल था। सही है, जब 10 का नेक्स्ट नल होगा और जब वाइल लूप दोबारा चलने पर आएगा तो वाइल लूप देखेगा कि करंट क्या है नल है। सही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ये प्रिंट कर दे रहा है स्पेस देने के लिए वगैरह, और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन खत्म हो गया। तो ये सर ने यहाँ पे ये डेटा को प्रिंट करवाने के लिए नोड के अंदर एक क्लास बनाई थी, तो क्लास करूँ सॉरी, ये नोड के डेटा को प्रिंट करवाने के लिए ना नोड की क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ था। सही है, डिस्प्ले नोड करके। सही है, तो फालतू में वैसे इतना कोड में घिस पिच लग रही है लोगों को, तो इसलिए वहाँ से फालतू में ये डिस्प्ले का वाला कोड जरा दोबारा से समझाइए। ये डिस्प्ले वाले बस देखो, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं।
अच्छा, हम अपनी नोड की क्लास को ना डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं, सही, उसको लिंक लिस्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो नोड का कभी भी वेरिएबल नहीं बनेगा, सही, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो लिंक लिस्ट के थ्रू होगी असल, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम नोड का कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, वो लिंक लिस्ट के थ्रू खुद ही बनता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले तो हमने अपनी लिस्ट बनाई, ठीक है, सही है। अच्छा, जब हम अपनी लिस्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ क्या कहते हैं अभी तक सेट नहीं है, ठीक है, सही है। फिर हमने उसके अंदर तीन चीज़ें इंसर्ट कराई, 10, 20 और 50, सही, उसी ऑर्डर में वही चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन, सही है। 10, 20 और 50 हमने इंसर्ट कराया, उसी ऑर्डर में इंसर्ट कराया, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था, पहले 10 कराया था, फिर 20 कराया था, सही है, फिर 50 कराया था, और फर्स्ट में करा रहे थे तो पीछे जाकर, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, तीनों को इंसर्ट कराया, और फिर हमने मैंने लिस्ट को यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्प्ले करवा दिया। तो पहली लिस्ट हमारे पास क्या हो गई, सही ही है, उसका कोड गया है, सही। सबसे पहले हमने क्या कराया था, ये प्रिंट करवाया था, ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रिंट हुआ। फिर हमने यहाँ पे करंट को फर्स्ट पे सेट करा था और करंट डॉट डेटा को प्रिंट कराया था, फिर स्पेस दी, तो यहाँ पे वही देख लो कि पहले 50 प्रिंट हुआ है, फिर स्पेस आई है 20 और इसके बीच में, फिर 20, फिर स्पेस 10। नोड करंट जो है पूरा एक ही वेरिएबल है। नहीं ना, करंट हमारे पास वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप नोड है, सही है, नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि फर्स्ट भी हमारा क्या था, नोड के क्लास का ऑब्जेक्ट था ना, अच्छा, सही है, और सही, हमने ये चीज़ करा दी, ठीक है। और बार बार करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे थे, करंट के अंदर करंट डॉट नेक्स्ट स्टोर करते जा रहे थे, उस वजह से लूप चल रहा था, 10 पे आके बंद हो गया। क्यों 10 पे आके क्यों बंद हुआ, क्योंकि 10 डॉट नेक्स्ट जो था वो हमारा नल सेट हुआ होता है यहाँ पर, सही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और दिखा दी है कि डिलीट फर्स्ट। अच्छा, इंसर्ट फर्स्ट करते हुए तो जाहिर सी बात है हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम
डिलीट फर्स्ट कर रहे हैं तो हमें कोई वैल्यू देने की तो जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा करें कि जो फर्स्ट पॉइंटर पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, कोई भी इंडेक्स या कोई वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे बस डायरेक्ट डिलीट फर्स्ट को कॉल करा, सही है। तो डिलीट फर्स्ट पे भी क्या मौजूद, 50 मौजूद था, सही, यही तीन हमने वेरिएबल रखे थे ना, तो डिलीट फर्स्ट पे 50 मौजूद था, तो 50 डिलीट हो जाएगा, 20 और 10 बच जाएगा। तो 20 और 10 बचने के बाद दोबारा टेस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करा के दिखा दिए तो 20 और 10 बचेगा। ठीक है, और तो कोई मसला नहीं, नहीं सेट है, सेट है।